हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से टॉप 25 यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। देखो भाई, लिखा है जमुना लाल बजाज पुरस्कार किससे संबंधित, ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है, तो इसको अच्छी तरह याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका विज्ञान और तकनीकी के लिए दिया जाता है, विज्ञान तकनीकी के लिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो आपका वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए दिया जाता है, याद कर लेना। ठीक है, सी ऑप्शन, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, इसको पहले समझोगे किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, देखो शांति, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में दिया जाता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार संगीत में नहीं दिया जाता, तो डी ऑप्शन राइट है। धनवंतरी पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धनवंतरी पुरस्कार किससे संबंधित है, धनवंतरी पुरस्कार किससे संबंधित है, तो यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र से धनवंतरी पुरस्कार संबंधित है। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना। डॉक्टर सीवी रमन थे, जो सीवी रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला, यही है जो आपके सीवी रमन को भारत रत्न भी मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब हुए थे सीवी रमन, और 778 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए, 778 का ए ऑप्शन, 1930 ईस्वी को, 1930। इनमें से किस भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, 789 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा, एस चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, 780 नंबर प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, तो यहाँ पे अर्जुन अवार्ड भाई ये खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं या विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, मतलब जो कोच होते हैं उनके लिए खासतौर दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डैश प्रदान किया गया था, कौन सा, 781 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्वेश्चन हमने आपको बताया था, बताइए क्या होगा, 2014 में, 782 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन है बी पार्ट, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था 2014 में भारतीय नागरिक को नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अवार्ड है, बताइए, चारों ऑप्शन को देखिए, खेल के लिए सर्वोच्च अच्छा अवार्ड माना जाता है सबसे, तो 783 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। निम्नलिखित में से किसे, मतलब कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, ठीक है, 784 नंबर प्रश्न है, तो भाई देखो ये तीनों हैं भाई, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा फिर। ठीक है, राजीव गांधी को मिला, मतलब ट्रेस सबको मिला, जेआरडी टाटा को भी, तो ये इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं, चलो अगला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित पुस्तकों व रचनाकार के नाम बताने हैं कौन से युग में गलत है, आपका दिया गया है 786 नंबर प्रश्न है। देखो भाई, इनसाइडर पीवी नरसिंह राव सही है, मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी सही, बिटवीन लाइन्स कुलदीप नैयर सही है, इंटरनल इंडिया सोनिया गांधी, ये आपका गलत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, अष्टाध्यायी किसकी रचना, 787 नंबर प्रश्न का सी पाणिनि की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, तो देखो सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट बताएं यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो गबन गोदान कफन, तो मुंशी प्रेम गीत गोविंद जयदेव की है, तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट है। देखो मुद्रा अक्षर विशाख दत्त सही है, राज तरंगी कल्याण सही, सयनामा फिरदोसी सही, अकबर नामा आपकी अबुल फजल की, मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं, अबुल फजल की है। ठीक है, डी ऑप्शन गलत था। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय भाषा जो दाएं से बाएं लिखी जाती, दाएं ये बाएं दाएं, तो दाएं से बाएं लिखी जाती है, वो आपकी खरोष्ठी भाषा है, 790 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन से युग में गलत है, तो भाई चिदम्बरा समुद्रनंदन पंत सही, कमायनी जयशंकर प्रसाद सही, साकेत मैथिली स्वरण गुप्त सही, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री द्वारा 1888 ईस्वी में लिखी थी, पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, और इंटरनल इंडिया इसमें गलती है। ठीक है, इसमें कौन सी गलती थी, इंटरनल की। ठीक है, इंटरनल किसकी पुस्तक है आप बताइएगा जरा। ठीक है, इंदिरा गांधी की है। ठीक है, अगला देखते हैं, चलो भाई इंटरनल पुस्तक लिखा आपकी, देखो स्वराज में जन्म से अधिकार इसे मैं लेकर आऊँगा, रोगमान तिलक सही है, बंकिम चंद्र जीवंदे मातरम सही है, इनकलाम जिंदा बसदा भगत सिंह सही, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद इकबाल कर लीजिएगा, इकबाल डी ऑप्शन में गलती थी, वैसे इकबाल होगा। बोरिस पास्टरनाक ने एक बहुत ही विवादास्पद पुस्तक लिखी है थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, बोरिस पास्टरनाक, इस नाम भी याद रखिएगा रचयिता का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ड जवागो, ठीक है, ड जियागो, इसको याद रखिएगा।
दास कैपिटल के लेखक कौन, ये क्वेश्चन अक्सर बनता है, दास कैपिटल के लेखक कौन है, दास कैपिटल के लेखक कौन है, यहाँ पे कार्ल मार्क्स, दास पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स। क्राइम एंड पनिशमेंट के लेखक का क्या नाम है बताइए, इंपॉर्टेंट नंबर प्रश्न है तो यहाँ पे दोस्तोवस्की, ठीक है दोस्तोवस्की। ए टेल ऑफ टू सीरीज पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस है, ए टेल ऑफ टू सीरीज चार्ल्स डिकेंस। दोस्तों यहाँ लगभग 25 क्वेश्चन कराते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अगर प्लेलिस्ट टाइप चाहिए आपको जीके रीजनिंग मैथ इंग्लिश की तो आप सिंपल सा एग्जाम गुरु यहाँ लिख के आ रहा होगा, सब्सक्राइबर लिख के आ रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एग्जाम गुरु में जब क्लिक करो तो होम वीडियो प्लेलिस्ट ऊपर लिख आएगी, तो प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे सिंपल से स्क्रॉल सिंपल से ऊपर ही आपको मिल जाएगी इंडियन कोड करके जीके साइंस रीजनिंग की सारी प्लेलिस्ट, आप देख लीजिएगा या फिर कमेंट मांग लीजिएगा जिसकी लिंक प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर प्लेलिस्ट, मैं आपको सीधे आपको लिंक दूंगा तो आप सीधे मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे।